मैं ये बताना चाहता हूँ कि जादू इज रियल एंड इट कैन लिटरली 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 डिस्ट्रॉय यू प्यार करने वालों के साथ. डिस्कस करना चाहता था और वो ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक चीज डिस्कवर की और बेसिकली काला जादू के दौरान के लोगों की दीवारों में से खून निकल आता है और लोगों के साथ बहुत कुछ होता है. आज फिरोज खान अपने फैंस के साथ एक अजीबोगरीब सी वीडियो शेयर की है. बट मुझे देखिए जी, दीवारों में से खून निकल आता है और दीवारों में से उन्होंने बताया कि पिछले दिन उनके साथ बहुत अजीब सी चीजें होती रही हैं. जी हाँ, उन्होंने बताया है कि उन पर किसी ने काला जादू कर दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और परेशानी में रहे. उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर किया कि वाकई जादू एग्जिस्ट करता है और ये होता है. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस जादू से छुटकारा पाया. तो मैं इस दौरान काफी ज्यादा अल्लाह ताला की मर्ज़ी से उन्होंने बताया कि सिर्फ अल्लाह की जात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी जिसकी वजह से वो इस चीज से निकल पाए हैं. बहुत भीख मांगी कि मुझे बचाइए और मुझे इस हालत से रिहाई दीजिए और मुझे नमाज थी और कुछ आयात उन्होंने बताई जिसकी वजह से मतलब आप किसी को डिस्कस भी नहीं कर सकते क्या जिनकी वजह से वो इन चीजों से छुटकारा पा गए. और अपना एक्सपीरियंस उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया कि अगर उनके साथ इस तरह के वाकयात आए तो उनको क्या करना चाहिए. तो उसकी मतलब जो तो और मैं बकायदा ये फील करता था कि मेरी एनर्जीज मुझे जो है वो मुझे फील होता था कि मैं किसी तरह हल्का सा मूव आया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो नमाज़ें मुझे आता. मैंने दुरूद पाक भी पढ़ा इस नीयत से कि अल्लाह ताला मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रखें और इन सारी बदरूहों को जो मैंने अपने आसपास महसूस की उनको एक मैंने दुआ पढ़ी कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखें किसी तकलीफ के अंदर तो एक दुआ है वो है अल्हम्दुलिल्लाह लजी आफनी मिन मुब्तला कभी व फजलनी अला कसीर मिन मुब्तला तफसीला और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. क्या ख्याल है, कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा. तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी. मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.